झंडे को सलामी देंगे, सलामी दे शुरू करेंगे। का जो ये फाउंडेशन डे है, तो स्थापना दिन है, इस उपलक्ष्य में हम
हम लोग सब यहाँ के जमा हुए, इकट्ठा हुए, मैं सबसे पहले आपको कांग्रेस की स्थापना दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहले अभी जो है तो बहुत सारे वक्ताओं ने, जैसे कि हमारे वीर साहब ने और हमारे ताई ने अच्छे से बता दिया कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास सही बोले जैसे अथर्वी ने भी बताया कि हम सबको जानना और बोलना जरूरी है, तो इस बारे में भी आगे हमारे के सदर और जिला सदर आपको बताएंगे। मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि इस सारे मुल्क में अगर हम नज़र मारे, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे मुल्क की बात कर रहा हूँ, अगर हम अमेरिका चले जाए तो वहाँ हम देखेंगे कि एक जाति एक भाषा एक देश है। हम जापान चले जाएंगे तो वहाँ भी हम देखेंगे कि एक जाति एक देश एक भाषा है। पाकिस्तान चले जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि एक जाति एक देश एक भाषा है। चाइना में भी एक जाति एक देश एक भाषा है। ये हिंदुस्तान ही हमारा ऐसा मुल्क है, यहाँ पे अनेक जाति है अनेक भाषा है लेकिन देश एक है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इस देश की विरासत को, इस देश के जो तो ये जो विरासत है, इस देश की जो सभ्यता है, इसको अगर किसी पार्टी ने समेटा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी यहाँ पे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पंजाबी है, गुजराती है, क्रिश्चियन है, केरलियन है, महाराष्ट्रियन है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो कांग्रेस है, समंदर के इस शोर से लेकर इस शोर तक कांग्रेस पार्टी है। तो ये जो हिंदुस्तान की विरासत है, ये सारे जाति धर्मों को लेकर चलने की जो विरासत है, ये सारे भाषा और प्रांत से ऊपर जाके जो तो सारे लोगों को इकट्ठा रखने की जो विरासत है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की है। और आज कांग्रेस पार्टी का आज स्थापना दिन है हमारा, तो मैं ये चाहता हूं कि हम खासतौर से जो जातिवादी पार्टी आज जो जात के नाम पे, भाषा के नाम पे जो ये मुल्क में जो है कूड़ डालने की जो कोशिश कर रहे, यहाँ MIM होंगी, ऊपर BJP होंगी, हम लोग को जो है तो ये खासतौर से बताना है कि कांग्रेस पार्टी इसकी ये जो विरासत है ये कितनी इम्पोर्टेंट है। सारे मुल्कों को हम कंपेयर करके बताना है कि हमारे हिंदुस्तान में ये देश की जो विरासत है, देश की जो सभ्यता है, वो कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है। और मैं आशा करता हूँ कि देखो अभी कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में क्या किया क्या नहीं किया ये लोग बता रहे हैं हमको, लेकिन इन्होंने अभी 5-6 साल के अंदर क्या किया ये हम लोग सब देख रहे हैं। जो कभी 70 साल में देखने को नहीं मिला वो आज हम देख रहे हैं। इसके ऊपर हमारे जिला सदर और शहर सदर आपको बताएंगे, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की जो सभ्यता है जो कांग्रेस पार्टी लेके चल रही है, ये सारे लोगों को बताने का बहुत अहम रोल हमको निभाना पड़ेगा। आगे हम सब लोगों को जो काम करना पड़ेगा। मैं इतना बोल के जो अपनी जगह लेता हूँ और फिर से एक बार आपको कांग्रेस एस्टैब्लिशमेंट दे के आपको मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद जय हिंद। खुदा सभी भाइयों को कांग्रेस स्थापना दिवस की मैं बधाई देता हूं शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। आज इस मौके पर हमारे बीच मौजूद ग्रामीण जिला अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण काले साहब, हमारे छोटे भाई आदित्य पठान साहब, महिला की अध्यक्षा श्रीमती पानखड़ेताई, मेरे साथ शहर जिला कांग्रेस कमेटी में महिला कांग्रेस की तमाम समाजी जी सीमाताई, यहाँ पर मौजूद सभी फ्रंटल सेल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष पदाधिकारी और प्रमुख नेते, पक्ष के ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ते और सभी कांग्रेस प्रेमी, आज का दिन हम सबके लिए वही मायने रखता है जो हमारे जीवन में ईद या दिवाली की जो वैल्यू है, जो अहमियत है, वही हम सबके बीच में। बधाई हम अपने आप को भी देते हैं और अपने सामने वाले जो हमारा कांग्रेस जन है उसको भी देते हैं, क्योंकि ये हमारा संघ है। एक कांग्रेस जन होने की भावना जब हम अपने अंदर जगाएंगे, मुझे लगता है तभी कांग्रेस को हम सही मायने में कुछ दे पाएंगे। मेरा जन्म राजकीय तौर पर कांग्रेस पार्टी में ही हुआ, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर। आज मैं जो कुछ भी हूं वो कांग्रेस पार्टी की ही मेहरबानी है। जिस समय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी उस वक्त इस परिवार में मुझे कोई नहीं जानता था। काम करके यहां के लोगों से मुलाकात हुई, जान पहचान हुई।
कांग्रेस की तरफ से, पक्ष के नेताओं की तरफ से बहुत प्रेम आदर सम्मान मिला। एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे शुरू किया हुआ ये जीवन आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ, ये आप सबके सामने है। अभी यहाँ पर बहुत सारे सम्मान्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, एसर बाबा ने बहुत अच्छी सारे फैक्ट्स हमारे सामने रखे, सिंह साहब ने उनका जो अनुभव है 78 का, 78 से मुझे ज्यादा प्रेम है, उसके पीछे एक कारण यह है कि मेरा जन्म 78 में हुआ है। हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं इस शहर में, मूलभूत ये शहर कांग्रेस प्रेमी शहर रहा है, यहाँ पे बहुत बड़े 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 नेताओं ने अपनी सेवाएं इस कांग्रेस को दी है। जिस गांधी भवन में हम खड़े हैं या बैठे हैं, इस गांधी भवन के लिए अगर हम याद करें, हमें याद करना भी चाहिए, तो विनायक राव पाटिल साहब से शुरू करें तो बाल उत्कर साहब को याद करने का एक बड़ा उनका इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जब ये गांधी भवन बन रहा था तब उनके चिरंजीव ने मुझे यहाँ पर किसी को भेज कर उनसे बात की और ये कहा कि उस गांधी भवन की आप अच्छे से देखभाल करें, ये हमारी ख्वाहिश है, जो कि सर्विस में है उनके एक चिरंजीव। हाँ, उन्होंने कहा कि जब ये बन रहा था तो हम छोटे छोटे थे और हमारे पिताजी जब स्लैब पड़ रहा था ऊपर का, तो हमारे पिताजी नंगे पांव धोती ऊपर करके वो स्लैब को पानी मारा करते थे और वो अध्यक्ष जिला कांग्रेस की। तो इस भावना से कांग्रेस के हमारे नेताओं ने यहां काम किया। इस ट्रस्ट के पहले चेयरमैन हमारे सबके नेता सम्माननीय डॉक्टर रफीक जकरिया साहब रहे, बाबूराव काड़े साहब हैं, बाला साहेब पवार साहब हो, हाजी सलीम साहब हो, अजीम साहब हो, और आज के जो हमारे सारे नेतागण हैं, सभी का योगदान रहा। हमको सबका आदर करना चाहिए, जो जो अच्छी बातें हैं, हम लोग अक्सर बैठते हैं उसमें मैं भी शामिल हूं, ऐसा नहीं कि मैं किसी को पट्टी का कर रहा हूं, हम लोग कभी कभी जो डार्क पार्ट होता है उसको ज्यादा डिस्कस करते हैं, उस व्यक्ति ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव बातें हैं वो अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो भी कम होगी, बट हमको उन पॉजिटिव बातों से कुछ फायदा मिलेगा, कुछ सीख मिलेगा कि किस तरीके से हमारे जो पूर्वज रहे, क्योंकि जब हम अपने आप को परिवार कहते हैं तो वो सारे जो नेता हुए वो हमारे पूर्वज हुए उस नाते से, तो उनकी सारी अच्छी बातों को, उनके आदर्शों को लेकर अगर हम लड़ेंगे, तो जब हम इस देश से अंग्रेजों को भगाने की ताकत रखते हैं तो क्या हम इन जातिवादी शक्तियों को जो हमारे बीच ही बड़ी हुई उनको नहीं भगा सकते? कांग्रेस के अंदर मुझे लगता है कि एक परिवार की भावना जितनी ज्यादा डेवलप होगी, अगर कहीं हमको पता चलता है कि हमारा कोई कांग्रेसी भाई मुसीबत में सही कारणों की वजह से, मतलब उसके ऊपर वाकई में अगर अत्याचार हो रहा है कि नहीं कि उसने कोई गलत काम किया और उसके बाद वो कांग्रेस के नाम से आके हमको मदद मांगे, लेकिन अगर वाकई में उसका अत्याचार हो रहा है, उसको मदद चाहिए, तो हमको सबको उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। हम शिकायत करते हैं कि पुलिस हमारी नहीं सुनती, प्रशासन हमारी नहीं सुनती, कितने बार ऐसा हुआ कि हमारा कोई कांग्रेस का नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता किसी अधिकारी के पास गया, उसको दिक्कत पेश आई और हमारे सारे कांग्रेसियों ने वहां जाकर धरना दिया या उस पर प्रेशर बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप में हम सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और बाकी सारे मैसेजेस फ्लोट करते हैं, मुझे लगता है हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीजों को भी शेयर करना चाहिए कि अरे ये फलाना हमारा व्यक्ति इस फ्रंटल का, इस सेल का, इस डिपार्टमेंट का यहां परेशानी में,
वहां जाकर उसकी मदद करें। अधिकारियों पे जब दबाव बनेगा तो जनता के काम कांग्रेस पार्टी का नाम बड़ा होगा। गट तट ये सारी चीजें करने के बजाय जैसा भी पिछले वक्ता ने बताया कि हम सबको एक आना चाहिए, एक आने के लिए सारे हाथों को मिलना पड़ेगा। जैसे अभी एक अहम मुद्दा हमारी बहन पानकड़े ताई ने रखा कि कोई अपना एक अलग प्रोग्राम ले रहे हैं, कहीं कोई अलग कांग्रेस बताते हैं, तो ये नहीं करते हुए ये बात को समझनी पड़ेगी। ये प्रोटोकॉल ये नहीं कि ये नाना पटोले जी ने नहीं बनाया, ये काड़े साहब ने नहीं बनाया, ये मैंने नहीं बनाया। ये प्रोटोकॉल हमारा है कि जो हमारी पेरेंट कांग्रेस है वो पेरेंट कांग्रेस सर्व है और उसके साथ में उसके नीचे उसके अंडर में सारे फ्रंटल, जिसको ज्यादा वैल्यू है जिसको फ्रंटल कहा जाता है, इसलिए पांच फ्रंटल। ये बात थोड़ी सी इस वक्त मुझे लगता है कि यहाँ रखने की जरूरत है। काड़े साहब ये ग्रामीण जिला कांग्रेस के प्रमुख हैं, इनके नीचे पांच फ्रंटल आएंगे, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस और इंटक। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात में संभ्रम। उसके बाद आते हैं आपके सेल और विभाग, ये जो भी इसके अध्यक्ष होंगे वो काड़े साहब के जनरल सेक्रेटरी का रैंक रखेंगे। मुझे लगता है मैं सही बात बता रहा हूं। तो इसीलिए ये बात का गुमान अगर कोई कर रहा हो कि नहीं नहीं मैं और काड़े साहब बराबर है या उस्मानी साहब में बराबर, उस्मानी साहब और आप व्यक्ति बराबर है, लेकिन पक्ष के प्रोटोकॉल के हिसाब से जब तक वो पद है ना, मुझे वैल्यू है ना, काड़े साहब को है ना, बहू को है ना, किसी को है, उस पक्ष की उस कुर्सी को वैल्यू है। हमारे एक बुजुर्ग पठान साहब जो है वो हमेशा कहते हैं कि जो पक्ष पे की कुर्सी पे बैठा, मुखिया साहब जी कहते हैं, मोगे साहब जी कहते हैं।